नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि बिहार स्टेट में ज़मीन का जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, नया सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। तो पिछले एपिसोड में भी मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सर्वे अभियान के अंतर्गत आपकी ज़मीन का किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा गलत ढंग से फर्जी पेपर दिखा करके खतियान में अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। इसलिए इसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, खास करके समाज के ऐसे व्यक्ति जो कि ज़मीन का फर्जी पेपर अपने नाम से बनवाकर पूर्व से रखे हुए हैं, तो उनके द्वारा सर्वे अभियान के दरमियान शिविर में फर्जी पेपर दिखाकर अपने नाम से खतियान में नाम दर्ज कराया जा सकता है। तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इस सर्वे अभियान में समाज के असामाजिक तत्वों द्वारा तथ्य को छुपाया जा सकता है, कर्मचारियों को गुमराह किया जा सकता है, उन्हें भ्रमित किया जा सकता है और कर्मचारियों को मेल मिलाकर के फर्जी पेपर दिखाकर उसमें अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। खास करके फर्जी पेपर के संबंध में मेरा कहना है कि जैसे कुछ लोग अपने नाम से फर्जी केवाला करवा करके रखे हुए हैं, यद्यपि उनका कोई पोजीशन ज़मीन पर आज तक नहीं है और न ही उनके नाम से कोई जमाबंदी रन करता है, फिर भी पूर्व से फर्जी केवाला उनके पास में है। वहीं कोई लोग अपने नाम से फर्जी दान पत्र बनवा करके रखे हैं, कुछ लोग अपने नाम से फर्जी वसीयत पेपर बनवा करके रखे हैं। तो ऐसे लोगों द्वारा कर्मचारियों को मेल मिला करके असामाजिक तत्वों को मेल से इसमें गड़बड़ी पैदा करवाया जा सकता है, खास करके ऐसी परिस्थिति में जहां फर्जी तरीके से पेपर बनाया गया है और उस फर्जी पेपर के आधार पर उनका जमाबंदी भी रन कर रहा है, उनके नाम से लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति आसानी से अपना नाम खतियान में दर्ज कराने में सफल हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि जो लिटिगेशन वाली ज़मीन है जिसमें फर्जी पेपर के विरोध में आपके द्वारा न्यायालय में मुकदमा किया गया है, फर्जीवाड़ा घोषित करने के लिए आपकी तरफ से वाद लाया गया है, तो इस तरह की जो कार्रवाई है विपक्षी के ऊपर आपका, जिसमें सर्वे होने लगेगा आपकी ज़मीन का, तो आपको सावधान रहते हुए खास करके न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है उसका सर्टिफाइड कॉपी आप अपने पास रखें और वक्त पड़ने पर आप शिविर में पदाधिकारी को दिखाएं। साथ ही यदि चालाकी से आपके विपक्षी उस पेपर में अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं, ज़मीन का अधिकार पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो विरोध स्वरूप आप शिविर में आवेदन दें और साथ ही मुकदमे का जो सर्टिफाइड कॉपी है उसकी छाया प्रति भी संलग्न करें और फर्जीवाड़ा करने से उन पर रोक लगाएं। तो दोस्तों, मैं इस संदर्भ में आपको कहना चाहूँगा कि इस सर्वे दरमियान आपके साथ धांधली हो सकती है और फर्जी केवालादार अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं फर्जी केवाला दिखा करके। तो मैंने पहले भी आपको कई बार सतर्क किया है,
आपको इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और आप इस तरह की सूचना शिविर में अवस्थ हैं। यदि शिविर में आपके बातों की अनसुनी की जाती है, आपके द्वारा आवेदन दिया जाता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आप जिला के बंदोबस्त कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं और इस बात की सूचना आप जिला के कलेक्टर को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से कानूनी प्रक्रिया अपना कर आप फर्जी केवालादार, फर्जी दानपत्रधारी एवं फर्जी वसीयतधारी के चालाकी को आप धूमिल कर सकते हैं और उनके द्वारा फर्जीवाड़ा की कार्रवाई पर आप रोक लगा सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह के वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।